गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड पढ़ लिया है, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ हैं। और आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट देन वी विल सी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनोइड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। द टॉप टुडेज टॉपिक इज म्यूचुअल इंडक्शन। तो क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? सो बेसिकली दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स, नॉट जस्ट वन कॉइल बट टू कॉइल्स, इन विच इफ देयर इज अ इंक्रीज और डिक्रीज If there is an increase in or decrease in the current in the primary coil, that is called primary coil, and that is called the secondary coil. So if there is increase or decrease in the current in the primary coil, then in the secondary coil an EMF is also going to be induced. Okay. So agar primary coil mein current aata hai, मतलब सपोज करो ये करंट इंक्रीज होता है, तो सेकेंडरी कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस होगा जो इसको अपोज करने का काम करेगा। ठीक है, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, हेंस द करंट विल बी इंड्यूस्ड जो इसको अपोज करने का काम करेगा। और अगर प्राइमरी कॉइल में करंट डिक्रीज होगा तो सेकेंडरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा जो इसको सपोर्ट करेगा यानी इंक्रीज कराने का काम करेगा। मतलब जस्ट सेल्फ इंडक्शन टाइप का ही है, लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें दूसरा कॉइल भी प्रेजेंट रहता है बगल में। ठीक है, सो आई कैन राइट दिस स्टेटमेंट एज म्यूचुअल इंडक्शन इज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स सच दैट Each opposes any change in strength of current flowing through each other by inducing an EMF। तो हर दोनों को ही एक दूसरे को अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? तो पहले कॉइल के करंट को दूसरा अपोज करेगा, दूसरे कॉइल के करंट को पहला अपोज करेगा। मतलब तो किसी भी करंट प्रोड्यूस होगा तो दूसरा कॉइल उसको अपोज करेगा। कैसे? तो एक दूसरा करंट प्रोड्यूस करके जो उसके डायरेक्शन को अपोज करने का काम करता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली द म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, नाउ इट कैन बी रिटन एज इट हैज बीन फाउंड दैट सिंपली, ये तो हम लोगों को कोई कहने की जरूरत नहीं है। इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, द फ्लक्स प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी शुड हैज टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन द करंट थ्रू द प्राइमरी। इसमें जो फ्लक्स जनरेट होगा वो प्राइमरी के करंट पे डिपेंड करेगा। देन फाई शुड बी प्रोपोर्शनल टू आई, एंड इफ दिस इज द केस दैट इज फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, आई कैन राइट द फाई शुड बी अ कॉन्स्टेंट एंड दिस कॉन्स्टेंट इज डिनोटेड बाई एम, वेयर व्हाट इज कॉल्ड एम, एम इज कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, सो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन प्रॉपर्टी है कॉइल की, जिसमें एक कॉइल दूसरे कॉइल को अपोज करता है। और एम क्या है? तो कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होता है। और एम इक्वल टू लिख सकते हैं फाई बाई आई,
ठीक है, एंड द एसआई यूनिट इज गोइंग टू बी फाई, यानी फ्लक्स, फ्लक्स का होता है वेबर, करंट का होता है एम्पियर, वेबर पर एम्पियर जिसको बोलेंगे एन एडी। ठीक है, साथ में हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू क्या होता है, तो माइनस डी फाइव एड एटी इक्वल टू माइनस डी फाइव एड एटी माइनस डी फाइव एड एटी, तो डी फाइव एड एटी फाइव इक्वल टू क्या है, तो एम है, तो माइनस ऑफ एम आई पी बाई डी टी, सो द ई एम एफ इंड्यूस शुड बी इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी, वेयर आई इज द प्राइमरी करंट एंड करंट इज द प्राइमरी फ्लक्स। तो जो ई एम एफ इंड्यूस होता है वो हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग को एक्सियल सोलेनोइड्स। दो को एक्सियल सोलेनोइड्स हैं, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी कॉइल और ये हो गया सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, मान लेते हैं इसमें करंट जा रहा है आई टू और फर्स्ट कॉइल उसके साथ कोएक्सियल ही है। अभी हम लोग कंसीडर क्या रहे हैं कि दोनों के रेडियस सेम है, बोथ हैव द सेम रेडियस एंड बोथ हैव द सेम लेंथ। ओके, ये कंसीडर करके हम लोग चल रहे हैं। हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है कॉइल्स का, व्हाट शुड बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। सो लेट टू कॉइल्स ऑफ सेम लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेम लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर कोएक्सियली प्लेस्ड, दोनों एक ही एक्सिस पे प्लेस्ड है। ठीक, नाउ इफ अगर फाई इज द करंट, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑल्सो एन वन कॉमन एन टू क्या है, तो नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, लेट एन वन एन एन टू टू बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। ठीक, आई टू बी द करेंट थ्रू सेकेंड कॉइल, प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं लिखना चाहिए, तो प्राइमरी नहीं, इसको प्राइमरी और सेकेंडरी ना लिख के हम लोग फर्स्ट एंड सेकेंड कॉइल लिख देते हैं, क्योंकि जिसमें करंट जाता है उसको हम लोग प्राइमरी मानते हैं। ठीक, आई टू बी द करेंट थ्रू द सेकेंड कॉइल, ए इक्व टू एरिया ऑफ द कॉइल्स, दोनों का हम लोग एरिया सेम लिख दे रहे हैं। ठीक है, और एल इक्व टू एल तो नहीं दिया है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड्स। अभी हम लोग इतना लेके चल रहे हैं। नाउ व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल, दूसरे कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस हुआ,
तो बी इक्वल टू क्या होता है, तो म्यू नॉट एन टू इंटू आई टू एन था, म्यू नॉट एन इंटू आई टू, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंड कॉइल. नाउ व्हाट शुड द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड थ्रू ईच टर्न, थ्रू ईच टर्न ऑफ फर्स्ट सोलेनोइड. अगर मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस हुआ सेकेंड कॉइल में, तो फर्स्ट कॉइल में फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स लिख सकते हैं फाइव इक्वल टू बी टू इंटू ए. मैग्नेटिक फील्ड तो इसी करेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल के साथ लिंक करेगा, तो फाइव इक्वल टू क्या जाएगा, तो बी टू इंटू ए. बी टू की वैल्यू कितना है, तो म्यू नॉट एन टू इंटू आई टू इंटू ए. एंड व्हाट शुड बी द नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स linked with the secondary coil. Sorry, with the first coil. पहले coil के साथ total flux कितना linked होगा, तो total flux phi, इसको हम लोग d phi लिख सकते हैं भाई, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि किसी एक टर्न के. नेट फ्लक्स phi should be equal to mu naught n2 i2 ए इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, एन वन वाले कॉल में कितना टर्न है, तो एन वन टर्न है, एक टर्न में इतना है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में कितना हो जाएगा, इसको एन वन से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली. अब नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. क्या होता है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न अपन लेंथ ऑफ सोलेनोइड. अगर पहले कॉल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है एन वन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n1, लेंथ कितना है l, तो n1 क्या हो जाएगा, तो n1 by l. हमको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए था, ये होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए था, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग n1 into l. ठीक है, तो नेट, तो टोटल फ्लक्स कितना लिंक हो गया, सॉरी एन वन फाइव, हाँ एन वन क्या होता है, एन वन का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग एन वन इंटू एल, यानी हो जाएगा एन वन इंटू एल. सो व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लिंक्ड, टोटल फ्लक्स लिंक्ड फाइव इक्वल टू म्यू नॉट एन वन एन टू आई टू ए इंटू एल. लेट डिस्ट्रीब्यूट क्वेश्चन नंबर वन. ठीक, ऑल्सो अभी हम लोग क्या पता है भाई कि फाइव इक्वल टू क्या होता है, तो फाइव इक्वल टू होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉइल विथ रिस्पेक्ट. अगर इसके अंदर का फ्लक्स हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकेंड कॉइल के रिस्पेक्ट में क्या है, एन टू करेंट कितना पास कर रहा है सेकेंड कॉइल में, तो आई टू, तो एम वन टू इंटू आई टू. ठीक है ना, अभी तो हम जस्ट पढ़े कि फाइव इक्वल टू एम वन टू आई टू हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा फाइव. अब क्या हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम टू एंड थ्री, फ्रॉम इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री, कैन आई राइट एम वन टू आई टू शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट एन वन एन टू आई टू इंटू ए इंटू एन. आई टू कैंसिल. सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड कॉइल शुड कम्स आउट टू बी म्यू नॉट एन वन एन टू ए इंटू एल. ये हमारा फर्स्ट कॉइल का सेकेंड कॉइल के टर्म में म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया. ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, म्यू नॉट एन वन इंटू एल इंटू एन टू इंटू एल इंटू ए डिवाइड बाई एल. एल को इधर लेके आए, एक और एल से मल्टीप्लाई करके इसको एल से डिवाइड कर दिया.
तो एन वन इंटू एल क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट कॉइल प्राइमरी कॉइल फर्स्ट कॉइल, एन टू इक्वल टू क्या होता है टोटल नंबर ऑफ सेकेंड कॉइल टर्न्स एन टू ए डिवाइड बाई एल, ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू द सेकेंड कॉइल। ठीक, ये हमारा फर्स्ट कॉइल का सेकेंड कॉइल के टर्म में म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। ठीक, अब चलते हैं आगे। मीन्स ये तो कब हुआ, तो जब सेकेंडरी कॉइल में करंट गया, सेकेंडरी कॉइल में करंट गया, सेकेंड कॉइल में करंट गया, फर्स्ट कॉइल में कब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाले। अब हमारा क्या हो रहा है, इफ आई वन करेंट पासिस थ्रू, इफ आई वन करेंट पासिस थ्रू फर्स्ट कॉइल, अगर आई वन करेंट पास किया फर्स्ट कॉइल के थ्रू तो बी वन का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो म्यू नॉट एन वन इंटू आई वन। ठीक, और फ्लक्स induced through each turn of second coil, through each turn of second coil, दूसरे coil के सभी turn के through flux कितना induced हो जाएगा, इसको d phi लिख लेते हैं। तो d phi should be equal to mu naught n1 i1 into a, a is area of one coil, one turn, and what should be the net flux induced, नेट फ्लक्स थ्रू सेकेंड कॉइल, सेकेंड कॉइल के थ्रू नेट फ्लक्स कितना इंड्यूस हो जाएगा, सो दैट शुड बी रिटन एज फाइव टू इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन आई वन ए इंटू एन टू, जिसको लिखते हैं म्यू नॉट एन वन आई वन ए एन टू इक्वल टू लिखते हैं एन टू इंटू एल। तो ये हमारा हो गया फ्लक्स जनरेटेड थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंड कॉइल। नाउ ऑल्सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट कॉइल, दूसरा कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले कॉइल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी, ऑल्सो फ्लक्स जनरेटेड थ्रू द सेकेंड कॉइल शुड बी इक्वल टू एम टू वन इंटू आई वन, लिख सकता है ना। तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से क्या हो जाएगा, तो हमारा आ जा रहा है म्यू नॉट एन वन एन टू आई वन इंटू ए इंटू एल शुड बी इक्वल टू एम टू वन इंटू आई वन, आई वन आई वन कैंसिल, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सेकेंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल इक्वल टू म्यू नॉट एन वन एन टू इंटू ए इंटू एल। ठीक है, तो हमारा एम वन टू भी आ गया, हमारा एम टू वन भी आ गया, और ये हो गया म्यू नॉट एन वन एन टू। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकंड कॉइल फर्स्ट कॉइल से सेकंड कॉइल इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकंड कॉइल से फर्स्ट कॉइल, ये हमारा म्यू नॉट एन वन इंटू एन टू इंटू ए इंटू एल किया, इसको चार्ज कर सकते हैं अभी इसको चार्ज कर सकते हैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन वन इंटू एल इंटू एन टू इंटू एल इंटू ए डिवाइड बाई एल, तो ये म्यू नॉट एन वन एन टू ए बाई एल। ठीक, सो एम वन टू comes out to be m21 comes out to be n comes out to be mu naught n1 n2 a by n। ठीक, तो क्या देख पा रहे हैं कि म्यूचुअल डिफरेंस जो होता है वो सिंपली किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है
नंबर ऑफ टर्न्स पे, लेंथ पे और एरिया पे, ये कुछ फैक्टर्स हैं जहाँ पे मीटर डिटेल्स डिपेंड करता है। उसके अलावा ये डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है, प्रोडक्ट प्लेस कैसे करता है। एक बार और एक दूसरा पर है, अभी क्वेश्चन प्रेस्ट है तो यहाँ पे मैक्सिमम म्यूचुअल डिफरेंस हमारा होता है, तो फ्लक्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से इंटरलिंक करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा। एक हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती थी ये तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्स इंटरलिंक नहीं कर रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ करेगा, वहाँ पर म्यूचुअल डिफरेंस अलग होगा। एक हमारे पास पॉसिबिलिटी ये थी यहाँ पे म्यूचुअल डिफरेंस और कम होगा, और एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है यहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूचुअल डिफरेंस नहीं होता है, तो मैक्सिमम म्यूचुअल डिफरेंस इस केस में आएगा। ठीक है, यानी म्यूचुअल डिफरेंस रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करता है, और हम लोग जो म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड कर रहे हैं हम लोग इस केस के लिए फाइंड कर, बाकी केसेस के अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं फाइंड किया हमने, अब करना भी नहीं है। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा आज का टॉपिक था और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। कल से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम टुमारो, स्टे ट्यून्ड एंड हम लोग कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।